सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज है संडे 22nd में। तो गाइज, मैंने लास्ट व्लॉग लास्ट मंडे अपलोड किया था, जो कि गगनमाल और बारह का मान। जो कि बारह का मान तो मैंने ऑलरेडी दिखाया था, लेकिन और एक बार मैंने दिखा दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं दिखाया था वो उतने अच्छे से नहीं दिखाया, ऊपर का जो गेट बंद था, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में और एक बार अपलोड किया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए। और एक बार आज का जो व्लॉग है ये मेरा फूड व्लॉग रहेगा, ये फूड व्लॉग 4 है मेरा। तो आज हम एक बीजापुर के एक फेमस सेंटर में जा रहे हैं, जो कि डोसा सेंटर है, रमेश डोसा सेंटर, जो कि यशोदा हॉस्पिटल के बाजू में आता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो बहुत पुराना होटल है। आपको सब कुछ उसके बारे में बता दूंगा, अभी तो फिलहाल चलिए। सुबह जब मैं आ गया हूँ रमेश डोसा सेंटर, जो कि डोमिनोज के एग्जैक्ट बाजू में है, तो आपको सब कुछ दिखा दूंगा, चलिए। अभी मैंने नाश्ता कर लिया रमेश डोसा सेंटर में, और आपको मैं बता नहीं पाया क्योंकि इधर बहुत सारा भीड़ था, इसलिए अभी घर चलिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल बता दूंगा, चलिए। तो मैं अभी घर आ गया हूँ और रमेश डोसा सेंटर में एक्चुअली मैं व्लॉग सिर्फ शूट के ए रोल किया है, और मैं कुछ बताना चाहूँ तो बहुत भीड़ था। मैं सुबह 10 बजे गया हूँ, तब भी मसाला डोसा ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था मसाला डोसा, लेकिन ख़त्म हो गया था। ये बीजापुर का ये बहुत ही फेमस डोसा सेंटर है। अगर आप 11 या 12 बजे के बाद अगर आप उधर जाएंगे तो आपको उधर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज सुबह उठ के गया था, लेकिन फिर भी मसाला डोसा ख़त्म हो गया। लेकिन टेस्ट जो है ना, बहुत ही मस्त टेस्ट है, आपको बीजापुर में ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप बीजापुर में हैं या अब तक आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, ये यशोदा हॉस्पिटल के बाजू में ही है। और अगर कोई दूसरे शहर के आप बीजापुर में आए सुबह के वक्त, तो इधर आप डेफिनेटली नाश्ता कर सकते हैं, ये बैड चॉइस नहीं होगा। और ये सांभर भी नहीं देते, सिर्फ जो है डोसा चटनी और एक लाल कलर की चटनी होती है, सिर्फ यही देते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी रहते हैं। और मसाला डोसा तो आज ख़त्म हो गया था, वो तो मेरा अनलक था। तो गाइस, ये तो एक फूड ब्लॉग रमेश डोसा सेंटर में, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।